आज के वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक हैप्पी न्यू ईयर से। आई रियली होप कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। अब नया साल है और हम आपके लिए कुछ नया और स्पेशल ना करें कैसे हो सकता है? तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल हेल्पलाइन। जी हाँ, अब आप वीडियो के नीचे एक नंबर देखेंगे और उस पर एक लिंक भी है, तो आप चाहें तो उस नंबर पर कभी भी कॉल करके अपनी जो हॉबी है ना उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट है या कोई गाइडेंस आपको चाहिए है ना, या आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हमारे वीडियोज़, ठीक है, या आप किसी टीचर से 1-to-1 कोई डिस्कशन चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कॉल ऑन दैट नंबर एंड वी विल बी देयर टू असिस्ट यू। सो दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सॉन्ग्स के बारे में। देखिए, नॉर्मली आई डोंट प्रिफर टू यू नो टीच स्टफ लाइक दिस, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि ना जब सीखते हैं हम गिटार तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और कितना भी टेक्निकल बातें कर लो, कितना भी स्केल सीख लो, मज़ा तो गाने से ही आता है। तो आज मेरा ट्राई इस लेसन के थ्रू ये है कि जो भी लोग अभी अभी जिन्होंने गिटार सीखना स्टार्ट किया है, 1 महीना 2 महीना हुआ है, ज़्यादा कॉर्ड्स नहीं प्ले कर पाते, शिफ्टिंग में ज़्यादा दिक्कत है, तो आई हैव चोजन 2 कॉर्ड्स, ई मेजर एंड ए मेजर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 2 कॉर्ड्स का यूज करते हुए 3 डिफरेंट गाने प्ले करने का। ठीक है, तो हो सकता है ये 3 गानों में से कोई एक गाना आपके लिए सिंगिंग में मुश्किल हो, है ना, कोई हो सकता है किसी के लिए 2 गाने सिंगिंग में मुश्किल हो, बट आई होप कि कोई ना कोई एक गाना यू विल फाइंड इट ईजी एंड यू विल बी एबल टू प्ले इट प्रॉपरली। ठीक है, तो 2 कॉर्ड्स हैं ई मेजर और ए मेजर, और स्ट्रमिंग पैटर्न मैं अब आपको सॉन्ग के हिसाब से सिखाऊंगा। तो चलिए पहले सॉन्ग के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सॉन्ग एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, एक्चुअली तीनों सॉन्ग्स ही बड़े ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स हैं, बट हम शुरुआत करेंगे पहली नज़र बाय आतिफ असलम। नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल स्केल ऑफ दिस सॉन्ग। ठीक है, हमने सिर्फ गाने को ईजी करने के लिए ये कॉर्ड्स में इस गाने को प्ले किया है, तो इफ़ यू कैन डू इट ऑल्सो एंड यू फील गुड, द पर्पज इज सॉल्व्ड। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद ई मेजर। नाउ लेट्स यू नो talk about the strumming pattern first. So it will be down, down, up, 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 down. E, down, down, up, 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 down. A, down, up, 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 down. ठीक है, तो let's do. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा, पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा, दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, baby I love you, या पूरा गाना ई ए करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इवन जो नेक्स्ट पार्ट है, कर दिया दीवाना ना 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 ना, आई फॉरगॉट द लिरिक्स, चैन चीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी आस ने, छाया सुर है कुछ तो जरूर है, ये दूरी जाने जा, दोनों जा, मेरी बाहों में आ, आ भी जा। So the whole song can be done with 2 chords. It depends on your singing. और believe me, ये गाना original scale से काफ़ी नीचे है और काफ़ी easy हो गया है, अगर आपके लिए जो original scale वाला गाना था वो अगर high है तो। तो अगर आप थोड़ा सा genuinely try करेंगे, ठीक है, multiple failures, then we will be there. Okay, so now let's talk about the second song. अभी जो दूसरा सॉन्ग है भैया, बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सॉन्ग है,
आई कैन इवन से कि कल्ट सॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर कोई इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑफेंड हो तो प्लीज़, आई हैड नो इंटेंशन टू बी ऑफेंसिव, ठीक है? वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प द बिगिनर्स. सो एज आई टोल्ड यू, दो ही कॉर्ड यूज करेंगे, ठीक है? सो लेट्स डू इट. और स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आई एम जस्ट डूइंग कॉन्स्टेंट 8th नोट्स, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. सॉरी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सॉन्ग, दैट इज एक सूरज निकला था कुछ वारा पिघला था, एक आधी आई थी जब दिल से आह निकली थी दिल से. Song E and A, E and A, and for your information, this is the original scale of the song. तो technically हम हर गाने में ही मजे नहीं ले रहे, ठीक है? ये original scale है, वो बात अलग है कि मैं जो मेरा pitch है गाने का, that is 1 octave lower, है ना? यार रहमान साहब ने इसको कुछ पत्ते बड़े झड़ के बहुत आई गाए. I am doing it in lower octave, so you can try that also, है ना? You don't need to sound that high, you can sing it lower also, and it can even sound better. ठीक है, सो इट्स अप टू यू. सो ई एंड ए एंड कॉन्स्टेंट डाउन स्ट्रोक्स, इससे ईजी क्या होगा यार. चलो तो ये जल्दी से प्रैक्टिस करो, और है ना अपने आप अपने जो वीडियो है ना वो अपलोड करके फ्रंट रो को टैग भी करो. तो इस लेसन का आखिरी सॉन्ग, एंड ये सॉन्ग भी थोड़ा सा आई वुड से कि आइकॉनिक सॉन्ग जैसा ही है ना, एंड इसको बोलते हैं राबता, ठीक है? और इसमें हम यही दो कॉर्ड प्ले कर रहे हैं. राइट हैंड से आई एम यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड पाम म्यूटिंग. अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्निक को एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो हम आपके लिए बनाएं, बिकॉज इट इज़ सेपरेट, इट इज़ वेरी यू नो आई वुड से डिस्टिंक्ट स्किल, तो इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिएगा. तो इफ़ यू वॉन्ट दैट प्लीज़ लेट अस नो थ्रू योर कमेंट, ठीक है? तो अभी इसमें भी होने को व्हाट आई एम डूइंग कॉन्स्टेंट डाउन स्ट्रोक बट with muted strings. ठीक है, सो लेट्स हियर. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे. इसमें ना सांस का बहुत खेल है. इस गाने में आपको ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो सांस है वो सही टाइम पे छूटेगा और आप पूरा लाइन एक बार में गा पाएंगे, ठीक है? ओ सो आई विल कंटिन्यू. कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, होल सॉन्ग डूइंग पाम म्यूटेड और मे बी डायरेक्ट ऑल्सो, ठीक है? आप चाहें तो हल्का फुल्का डायनेमिक्स यूज कर सकते हैं जस्ट टू यू नो ब्रिंग सम आई वुड से वर्सेटैलिटी इन योर साउंड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई रीच टू द कोरस पार्ट, लाइक दिस इज द लास्ट लाइन, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ
तो अब क्या हुआ, सडनली गाने में एक जान सी आ गई, है ना। पहले गाना थोड़ा सा साइलेंस में चल रहा था, अब एक तरह एकदम से एक तरीके से आपने उसमें थोड़ा सा पुश दे दिया है, तो इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। सो आई वुड लव टू सी कि अगर आप ये यूज़ करते हैं, आपने ये ट्रिक यूज़ की एंड इट वर्कड, आपका काम हो गया, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, और इन तीनों में से, तीनों नहीं तो कम से कम एक सॉन्ग तो आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। प्लीज़ ट्राई हार्ड एंड फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। सो अगर समझ में नहीं आया या आप गंदा साउंड कर रहे हैं, अच्छा साउंड नहीं कर रहे, पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग यू, है ना, अपना होप नहीं लूज़ करना है, जस्ट कीप अप विद योर हार्ड वर्क, यू विल बी बेटर वन डे, ठीक है। उसके अलावा अब भाई नया साल है, तो पहले 10 दिन तो किस चीज़ में निकलते हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग में क्या चलता है कि इस पूरे साल क्या करना है, है ना, कि इस साल मुझे गिटार में और बेटर करना है, या हो सकता है आपका कोई दूसरा भी हॉबी हो, मतलब गिटार तो चलो आप बजा रहे हो काफ़ी टाइम से, बट हो सकता है आपको यू नो कॉमेडी वीडियोज़ देखना पसंद है, तो हो सकता है आप खुद भी कॉमेडी करना चाहें, या फिर कोई भी ऐसी हॉबी, डांस हो सकता है, ठीक है, गाना गाना हो सकता है, बेटर सिंगिंग हो सकता है। तो नीचे कमेंट करके ना अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में हमें ज़रूर से बताइए, और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा हॉबीज़ पे, क्योंकि वी नो कि प्रोफेशनल लेवल पे तो ठीक है, यू हैव टू डू योर बेटर, यू हैव टू डू योर बेस्ट, नॉट बेटर, यू हैव टू डू योर बेस्ट, है ना, टू यू नो गेट द प्रोग्रेस इन योर लाइफ, बट हॉबीज़ है ना वो एक पैरेलल पार्ट है आपकी लाइफ का, तो अगर आप हॉबीज़ के थ्रू अपने आप को बैलेंस रखेंगे, तो हो सकता है आपकी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहे, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग एंड आई विल बी रीडिंग अबाउट इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड वी विल मीट सून।